नमस्ते प्रणाम, मैं राज सिंह, विश्वमित्र की तपोभूमि बक्सर, राम जी की पहली प्रथम कर्म भूमि बक्सर में मैं आज आ गया हूँ। और बक्सर का यह नया बाजार मोहल्ला है और जहाँ राम जानकी आश्रम है उसी के नज़दीक में राम जानकी आश्रम के द्वारा ही यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं श्री सी पी एम मिलन महासम्मेलन एवं श्री महर्षि श्री खाकी बाबा सरकार का 53वां निर्वाण दिवस जिसकी स्टार्टिंग आज ही के दिन अर्थात 21/11/2022 अर्थात सोमवार से होना तय था, जैसा कि आज चालू भी हो गया है। और इसके अंतिम डेट जो है 29/11 को है, इसका अंतिम डेट 29/11 को है जो मंगलवार तक चलेगा। और इस कार्यक्रम के कथावाचक जो है उनको आप दिखाएंगे, कथावाचक है वहाँ पे श्रद्धेय जी इंद्रदेश उपाध्याय जी जो वृंदावन के रहने वाले हैं और उन्हीं के द्वारा इस कथा का वाचन होगा। और हम आपको वह दृश्य दिखाएंगे जहाँ पे यह रामलीला महोत्सव का आयोजन किया गया है और उस रामलीला महोत्सव के आयोजन को आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं, जहाँ से आपको पूरी तस्वीर दिखाई देगी। चूँकि आज पहला दिन है और पहले दिन के अंतर्गत अभी तैयारियाँ चल ही रही थी कि हमारी एंट्री हो गई। और आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत बड़ा स्टेज है और उधर कुछ कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, कुछ श्रद्धालु भी आए हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होते जाएगा आपको ये भीड़ बढ़ती हुई नज़र आएंगी। आप पीछे का भी एक बार दृश्य दिखा सकते हैं जहाँ पे मेला जैसा दृश्य लगा हुआ है। और अभी सुबह का लगभग 11 बज रहा है तो यहाँ अभी दृश्य उस तरीके का उपस्थित है, मेला जैसा भी दृश्य है। उस साइड का भी दृश्य हम नज़दीक से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम अंदर चलेंगे और अंदर की चीज़ों को दिखाने का प्रयास करेंगे। आ जाइए अंदर की तरफ। ये बक्सर के नया बाजार राम जानकी मंदिर अर्थात आश्रम का रामलीला विवाह महोत्सव, राम जी का जो पहली कर्म भूमि है, विश्वमित्र की तपोभूमि है, तो यहाँ पे उस तरीके का मेला भी लगा हुआ है और कुछ सामानें भी लग रही हैं। एक छोटा बच्चा है, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? नहीं। कहाँ घर है? नहीं मनार। नहीं बाजार। भुंजा बेच रहा है यहाँ पे, अपनी रोजगार को उपलब्ध कराने के लिए। अब मेला है तो मेला में अपनी जीविका को उपार्जन करने के लिए छोटे बच्चे हों या जो भी लोग हैं यहाँ पे अपनी रोजगार लगाई हुई है। यहाँ पे एक मैडम बैठी, क्या नाम होगा आपका? बबली। कहाँ से है? मथुरा। मथुरा से आई है। क्या विशेषता है यहाँ की रामलीला विवाह महोत्सव का? अभी तो मुझे पता नहीं, अभी तो मैं आई हूँ। अच्छा, इसके बारे में कुछ जानकारी तो होगी? नहीं, जानकारियाँ नहीं है। दुकान लगाई है आपने? दुकान लगाए हैं और यहाँ आप दुकान में देख सकते हैं कि राम जी का पादुका है और भी विभिन्न सूर्य जी की मूर्ति सूर्य मूर्तियाँ हैं और भी सामानें सज रही। कहाँ से आए सर? हम लोग अलीगढ़ से हैं, मथुरा के पास। क्या क्या सामान है आपके पास? हमारे पास ये सूरज वगैरह है, राम जी के चरण पादुका वगैरह, चंदन वगैरह है वृंदावन का और हरिद्वार। कैसे जानकारी मिला कि यहाँ पे रामलीला? एक साल से अगर आते हैं, 10-12 साल से लगातार आते हैं हम लोग। अगर कैसा प्रोग्राम रहा होता है यहाँ? यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम है, होता है यहाँ। तो लोग यहाँ अभी नहीं जान पाए हैं, ऐसे तो 53वां निर्वाण दिवस है, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जो नए दर्शक हैं उनको पता नहीं है, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखो, जितना जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिले तो यही चाहते हैं कि ये हरेक राम कथा हरेक साल होती रहे यहाँ। राम कथा में बहुत भीड़ लगती है? बहुत भीड़ लगती है यहाँ। आज तो उतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। पहला दिन है तो इतनी भीड़ नहीं है, मगर ये अगर 2-3 दिन के बाद में यहाँ भीड़ चालू हो जाएगा काफ़ी है। और भी धूल चुकी है यहाँ पे काफ़ी उड़ रहा है, क्या कहेंगे जी? अभी ये अगर धूल मिट्टी तो उड़ती है, व्यवस्थापकों की कमी कही जा सकती है चूँकि धूल यहाँ पर उड़ रहे हैं। और इधर भी कुछ गार्जियन है, क्या कहेंगे बाबा कार्यक्रम को लेकर के? अरे कार्यक्रम तो इतना बढ़िया हो रहा है ना, इसमें हम लोग के कहना क्या, हम लोग बाहर से आए हैं। कहाँ घर है आपका? घर तो जहानाबाद पड़ता है। अच्छा। लेकिन खास कार्यक्रम में ही बाबा के नाम से आए हैं
बाबा के नाम पर आए हुए? हाँ, बाबा के नाम पर आए हुए हैं। बाबा के नाम इतना ज्यादा हो गया है कि हम लोग देखिए कि दंग है कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है यहाँ। सुन रहे, 53 साल से हो रहा है, 53वां ये महोत्सव है और बहुत भयंकर भीड़ लगती है। हाँ, बहुत भयंकर सुन के आए हैं हम लोग, यहीं बाबा के यहाँ ठहरे हुए हैं। बाबा के यहाँ ही ठहरे हुए हैं। यहाँ आपको बता दें कि इसके बगल में भी एक अस्पताल है और अस्पताल में भी काफ़ी सुविधाएं दी जाती है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी किया जाता है। क्या बाबा, हम लोग यहीं अस्पताल में एक रूम में ठहरे हुए हैं। अस्पताल में ही ठहरे हुए हैं, मतलब जो बाहर से गेस्ट आए हुए हैं उनको अस्पताल में ठहरने की? हाँ, ठहरने की व्यवस्था है। आश्रम में भी रहने की व्यवस्था की है? रहने की पूरा व्यवस्था है, पूरा व्यवस्था है। और भी हम आगे चलते हैं, चूंकि थोड़ा सा व्यवस्थाओं में धूल उड़ रहा है और धूल इतना सरक रहा है कि कहाँ नहीं जा सकता है। धीरे धीरे व्यवस्थाएं कुछ ठीक हो जाएंगी। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं वाराणसी से। वाराणसी से? तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की माला है और क्या क्या सामान है आपके यहाँ उपलब्ध है? पूजा पाठ संबंधित सब है यहाँ पर, यंत्र उंत्र है, अंगूठी है, श्री चंदन सब उपलब्ध है यहाँ पर। दिखा सकते हैं कि जितनी भी पूजा में सामानें लगती हैं, चंदन है, अंगूठी है, माला है या विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ भी उस साइड में आपको देखने को मिलेंगी। और भी आगे चलते हैं, यहाँ पे एक दृश्य आपको उपस्थित होगा। थोड़ा पीछे आ जाइए आप लोग। एक बाबा है, क्या नाम होगा जी आपका? ज्योतिषाचार्य संतोष। ज्योतिषाचार्य जी, संतोष कुमार मिश्रा। क्या नाम होगा सर? रामदास। रामदास जी, चित्रकूट वन देवी आश्रम। इनको आप दिखा सकते हैं, ये कुछ अलग ही कलाकृतियां हैं इनके अंदर। और कुछ नज़ारा भी दिखाते हैं क्या? कोई नहीं, भगवान का भजन करते हैं। भजन करते हैं? एक भजन सुना दीजिए छोटा सा। नहीं, भजन हम नहीं गाते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण, रामचरितमानस, अन्य जो है मत्स्य पुराण। कलाकृति को आप दिखा सकते हैं थोड़ा नजदीक से कि किस तरीके से ये जटा है। बाबा, कितने सालों से रखे हैं इसको आप? 45 वर्ष। 45 वर्षों से। कहाँ पे रहते हैं आप? चित्रकूट वन देवी आश्रम। तो इसको धोते हैं कि ऐसे ही रखते हैं? नहीं, इसको धोते हैं। धोते हैं? कितने दिनों पे लगभग धोते हैं इसको, कि डेली स्नान के समय? नहीं, 4-5 दिन पर। 4-5 दिन पे? पूछने का कारण हो जाता है क्योंकि ये कुछ अलग तरीके का दिखता है। और आइए कुछ भजन सुनते हैं, श्लोक सुनाएंगे। आइए थोड़ा सा इधर फोकस कीजिएगा आप, श्लोक सुनाएंगे। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा लव सोचित निकाल समझ सर्वेश भूति सुमत भक्ति में लभते पराम। जो भगवान की कृपा हो जाती है ना, तो आदमी हर प्रकार से प्रसन्न रहता है। समझने के लिए, आदमी जब भगवान की कृपा हो जाती है तो आदमी हर तरीके से प्रसन्न हो जाता है। और प्रसाद भगवान का जब जिसको मिल जाता है, उसे किसी भी प्रसाद की जरूरत नहीं पड़ती है। और भी कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए। मैं आपका, मेरा नाम तो राज सिंह है। राज सिंह जी? अच्छा अच्छा, तुला राशि के हैं। बहुत अच्छा है, स्वभाव के अच्छे आदमी है। राम कृपा ना सह सब रोगा जो ए बात बने संजोगा। राम कृपा ना सह सब रोगा जो ए बात बने संजोगा। सुकृत संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मौत प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गणबस करूं। बाबा जी, इसका अर्थ थोड़ा सा बता दीजिए, हमको समझ में नहीं आया। हाँ, चूंकि लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा इस मंत्र को पढ़ने से सब रोग, भगवान का भजन करने से सब रोग व्याध जो है शांत तो हो जाता है। अर्थात राम जी का नाम का स्मरण करने से सारे रोग दुखों को दूर किया जा सकता है, यही ना? चलिए और भी हम थोड़ा सा आगे आते हैं और जानकारी लेते हैं। क्या चाचा, यही घर है क्या? ना, ना। कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आए हुए हैं? तो श्वेत नगर से, बक्सर से आए हैं। बक्सर से ही आए हैं मेला देखने के लिए। रुक जाइए थोड़ा सा। और भी दुकानें इस साइड से, सारी दुकानें ही लग रही हैं। आप एक बार दिखा दीजिए, जहाँ पे जड़ी बूटियों से संबंधित दवाओं का इस्तेमाल के करने के लिए काफ़ी दुकानें लग रही हैं। अभी आज पहला दिन है, चूँकि उस तरीके की अभी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं, तो आगे चलते हैं और इस साइड में आपको दिखाते हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कार्यक्रम कुछ चल रहा है। यह कार्यक्रम रामलीला का भी हो सकता है। आप थोड़ा सा जूम करके उन दृश्यों को भी दिखा सकते हैं जहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। हाथ वाले, या के हाथ वाले, मैं तो ये पाम बांध दी।
चलो कोई बात नहीं, कछु तो बांधो तो सही। हाँ वो कभी है ना, तू कभी है, तू ज्यादा ये श्रद्धा तो है नहीं, अच्छी लग रही है दामन धोने में आए क्या है, कमरों को लगाने से को ज्यादा ना बोल रहे। अच्छा चलो कन्हैया जमुना जल पिया, बस तू को गरी में ठक गए, अब जमुना जल के द्वारा निकले वो पेट भर गए ना, आपने माखन तो खाई लियो, माखन खाई लियो, अरे माखन खाए तो आई जो, और का हम यहाँ भजन करेंगे और खाओगे, खाए भी और खेल भी आए और खाओगे, तू अपनी बात कर, सिद्धांत की बात पे आ जा, छोड़ दुनिया भर की बात है। तो हाँ। आप मुंह को खोल दो, खोल दो, आप खोल दो। हाँ कौन ने बांधी, आपको पता ना कौन ने बांधी, बताई तो ही मैंने, मैं तुम्हारे मुख तो सुनना चाह रहा हूँ कौन ने बांधी हो, प्यारे श्याम सुंदर प्यारे ने? तुम प्यारे पे तुम बन गई, मुंह पे खोलना चाह रही हो, जब प्यारो सुनेगो। रामलीला मैदान के पीछे का ये दृश्य है जहाँ से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, जहाँ खाना बनाने की तैयारियां चल रही है, जहाँ पे भोजन के रूप में आपको प्रसाद के रूप में भोजन वितरित किया जाएगा। तो ये बड़े बड़े कराह देख सकते हैं, बड़े बड़े टब देख सकते हैं, आपको नज़दीक से मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, जहाँ इतना बड़ा कराह आप हमने तो कभी जीवन में नहीं देखा था, आप देख सकते हैं और हम पहली बार ऐसे कराह को देख सकते हैं, देख रहे हैं कितना इसमें एक बार में आ जाता है, कितनी सब्जियाँ एक बार में आ जाती हैं, कितने क्विंटल? अच्छा जानकारी नहीं है कुछ लोगों को, आते हैं सर पूछते हैं, इतनी बड़ी कराह में कितने केजी सब्जी आ जाती है एक बार में? यहाँ कम से कम दो बोरा में दो बोरा आता है। क्या किलो इसके बारे में जानकारी नहीं है? एक मन टूटता है, एक मन, एक मन टूटता है, एक मन टूटता है कराह में सब्जी, और चावल भी एक मन टूटता है, उसमें 90,000 आदमी खाता है ये मेला में। कुछ विशेष जानकारियां उस तरीके की नहीं मिल पा रही है, जो यहाँ पे विशेष भंडारी है आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, फिर से आप दृश्यों को दिखा सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कराहे हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक बार में कितने लोग इसको खा सकते हैं, चूँकि ये इस तरीके से आ जाइए, और ये चूल्हा है उसका, ये उसका चूल्हा है, और यहाँ पे जलावन के द्वारा खाना बनेगा, ये चूल्हा है, आप चूल्हा को दिखा सकते हैं कि चूल्हा किस तरीके का बना हुआ है, और ऐसे तीन चूल्हे बने हुए हैं, एक उधर भी चूल्हा बना, इस साइड का चूल्हा भी आप दिखा दीजिए, इस साइड का भी आप चूल्हा दिखा सकते हैं, ये किस चीज़ कोयला पे बनेगा, लकड़ी पे बनेगा, हाँ लकड़ी पे बनेगा, आप लकड़ी भी दिखा सकते हैं, एक ट्रक के का आसपास लकड़ियाँ भी हैं, चूँकि यहाँ पे बताने वाले भंडारी की नहीं है अभी, और इन लोगों को शायद उस तरीके की जानकारियाँ नहीं है, आप दिखा सकते हैं कड़ाह कितना बड़ा है, अनुमान लगा सकते हैं कि आप लोग की इतना बड़ा जब कड़ाह है तो कितनी सब्जियाँ एक बार में, कितने चावल एक बार में, और कितने खीरे एक बार में बनाए जा सकते हैं, विशेष क्विंटल चावल टूटता है इसमें, अढ़ाई क्विंटल एक बार में, एक भाई साहब हैं जो बता रहे हैं कि अढ़ाई क्विंटल एक बार में चावल आता है, तो हो सकता है इसलिए कि बहुत बड़ा कड़ाह है, और ये ना कह पाना, ये किस लिए बनाया गया है, ये वाला जगह किस लिए बनाया गया है, चावल पसारने के लिए, सुखाने के लिए, ये चावल को सुखाने के लिए जगह बनाई गई है, और यहाँ पे ये जगह बनाई गई है, इस पे रोटी बनेगा और यहाँ पे लगभग, हाँ तो और इस साइड में भी आप दृश्य देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया बनाया गया है जगह को, परिसर के अंदर तो साफ सफाई दिखती है, चूँकि यहाँ पे गोबर से, गाय के गोबरों से या भैंस के गोबरों से इसकी लिपाई पुताई की गई है, लेकिन परिसर से बाहर जाने पर आपको साफ सफाई दिखाई नज़र नहीं आती है, तो मैं प्रशासन से भी निवेदन करता हूं और आश्रम के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम हो रहा है,
पूजा पाठ हो रहा है तो पूजा का मतलब ही होता है साफ सफाई। तो कृपया करके आप लोग बाहर की व्यवस्थाओं पर भी थोड़ा सा ध्यान फोकसित करें, क्योंकि कार्यक्रम के अंदर तो सारी साफ सफाइयाँ नजर आ रही हैं, लेकिन कार्यक्रम से बाहर जब हम आपको दिखाएंगे, जहाँ से मैंने पहला रिपोर्टिंग अर्थात फर्स्ट टाइम रिपोर्टिंग करना चालू किया, वहाँ पे काफ़ी गंदगियाँ थी और काफ़ी सड़क आ रही थी गंदगियों की, तो इस ऐसी गंदगियों को न फैलाया जाए और जो फैला रहे हैं उन्हें दंडित किया जाए, चूँकि उसकी सफाई भी करना ज़रूरी है और पूजा पाठ तो हमेशा चलते ही रहेंगे। इसी के साथ मैं राज सिंह, आप तक न्यूज़ के लिए।